टीचर की मिमिक्री करेंगे और आप लोगों को गेस करना है कि वो कौन से टीचर, समझ में आया आप लोगों को? टीम टीचर। तुम बात क्यों कर रहे हो? इतना हल्दी हो गया है, पानी में थोड़ा नमक और थोड़ा हल्दी, एक ठोप मोद डाल कर सुसुम पानी में गर्म करके एक के बार में घटक जाओ, मिनट में ठीक हो जाएगा, मिनट में। बहुत बहुत थैंक यू आपको बोलती हूँ, आप मेरी बस टीचर नहीं फ्रेंड बनी, मेरी कई सारी मुसीबतों का एंड बनी। आंटी मैं आपको अब क्या बोलूँ, आपने रोना स्टार्ट कर दिया, आप मेरे को भी रुला दोगे। आज का दिन हम स्टूडेंट्स के लिए कितना खास है, क्योंकि आज हम लोग टीचर्स का दिन सेलिब्रेट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मौजूद सभी टीचर्स को मेरी तरफ से अ वेरी हैप्पी टीचर्स डे। किसी टीचर की मिमिक्री करेंगे और आप लोगों को गेस करना है कि वो कौन से टीचर, समझ में आया आप लोगों को? yes, तो जोर से बोलो ना। yes, हाँ बहुत अच्छे, और तालियां बजती रहनी चाहिए, सब लोगों ने बहुत मेहनत किया है इधर। तो प्राची, प्राची प्रिया, सिट डाउन, बैठ जाओ, चलो मेरा लोग मेरा नाश्ता पानी दो, दो नाश्ता पानी। नहीं लाया तुम लोग नाश्ता पानी? सारा सही है, ऑल करें। 25 हाथी या घोड़ा? हाँ अब आई पॉइंट पे, एक इक्वेशन बनाओ तुम लोग, में हम सर्टिफिकेट देने वाले हैं। अब बताइए आप लोग ये सर कौन है? बहुत सुंदर। अब हम रमोट सर के बारे में कुछ बोलना चाहते हैं। मेरे शतलेख में तो शब्द ही नहीं है जो हम आपको दर्शा सके, लेकिन फिर भी मैं कहती हूँ, जिंदगी कालिक थी, जिंदगी कालिक थी, ना रंगों का ठहराव था, जिंदगी तो उजागर तब हुई जब उसमें गुरु नाम का एक भाव था। जब भी मैथ के थ्योरम से डर लगता है, आप गीत बनाकर पढ़ा याद करा देते हैं। और वो कहते हैं ना, ध्रुव हजारों तारों के बीच एक ध्रुव तारा, हजारों तारों के बीच एक ध्रुव तारा सही रास्ता बतलाता है। हमारे लिए हमारे ध्रुव तारा आप ही हो सर, हमारे न्यूटन, आर्यभट्ट, आइंस्टीन सब आप ही हो सर। अंत में मैं यही कहूँगी, यू आर द बेस्ट टीचर। मैं आप यहाँ आ गई, माइक ले लो, प्रणाम करो, ताली बजाओ सब लोग। नहीं नहीं हो रहा, अब मैं समीक्षा मैम के लिए पोयम देना चाहती हूँ। सबसे पहले मेरी तरफ से सारे टीचर्स को हैप्पी टीचर्स डे, और मेरा प्रणाम सारे टीचर्स को। मेरी टीचर सबसे प्यारी, हमको रोज पढ़ाती है, साथ हमारे खेलती है। तुम बात क्यों कर रहे हो?
इतना बदमाशी करोगे ना चूहे वाली अलमारी में बंद कर देंगे, नहीं तो खिड़की से बाहर फेंक देंगे। इतना हो रहा है, सबका लंच लेकर के छज्जी पे रख देंगे, हनुमान जी आके खा जाएगा, बैठे रहना तुम सब। अब मैं बताइए मैंने किसकी मिमिक्री की। अब मैं उनके बारे में कुछ कहना चाहती हूँ। अर्चना मैम हमारे जूनियर सेक्शन की सबसे स्ट्रिक्ट टीचर हैं और बच्चों को उनकी माँ की तरह बहुत प्यार देती हैं और इस तरीके से खेल कूद में पढ़ाती हैं जो उन्हें हमेशा याद रहता है। यहाँ पे जो मैम हूँ वो मैं नहीं बल्कि एक छोटा सा रोता हुआ बच्चा कह रहा है। एक छोटे से बच्चे को दूर कराने वाली भी आप ही थी और फिर उसकी दूसरी माँ बनने वाली भी आप थी। उस बच्चे को ए फॉर एप्पल बी फॉर बॉल सिखाने वाली आप थी और उसको इतने हक से डांटने वाली भी आप थी। उसका पहला प्रश्न भी आप थी कि काश ये मैडम मुझे हर सब्जेक्ट पढ़ाए और मैं दिन भर इन्हें देखता रहूं। धन्यवाद मैम, प्लीज आइए। मैम आप हमें बहुत प्रीटी लगती हैं, इसलिए हमने आपके लिए प्रीटी टीचर का बैज बनाया। क्यों हल्ला कर रहे हो तुम लोग? हम क्या यहाँ पे पागल है जो पढ़ाने आते हैं? पूरे क्लास में हल्ला करती रहती है तुम लोग। पढ़ने में मन नहीं लगता है कि तुम यहाँ क्यों आती है? चले जाओ घर। अब आप लोग बताइए मैंने किस मैम की एक्टिंग की। मैम आप बहुत स्वीट है इसीलिए आपके लिए स्वीट टीचर। गुड मॉर्निंग, मैं कहाँ पे हूँ सब? चलो बैठ। तहन आज की सब भेल राशि? रात में भोज खा ल गेलिए रह। आज सब कहियो ठीक छे ना सब? आज की सब पढ़बे तहन? नहीं कनटा गप क्या ले छी ना हे मैडम आबि गेल, चलू किताब निकालू तब मैडम की कहते मुरारी किछु पढ़ाते नहीं छै खाली गप दै छै। कंटा हमरा नहीं ना ले अपना सब तक खा गए। चलो चलू कंटा पढ़ा दे सबको। तो आज हम लोग पढ़ेंगे संधि। जहने पढ़ब लागी तहन मार्कर के क्या गज्जन हो छे, मार्कर चलते नहीं छे, हाँ मूडे खराब क्या दल के सबका हो गया। थैंक यू। मुरारी सर हमारे स्कूल के वो टीचर हैं जिन्हें स्कूल से लेकर के पूरे गांव तक की खबर होती है, चाहे वो किसी भी चीज की हो। लेकिन मुरारी सर हमें बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, वो हमें हर एक लैंग्वेज में, मैथिली में, हिंदी में, मस्ती में ऐसा पढ़ाते हैं कि अगर हम भूलना भी चाहे तो हम भूल नहीं सकते। थैंक यू मुरारी सर इतना अच्छा संस्कृत हिंदी पढ़ाने के लिए। सर आप बहुत डेयरिंग है इसीलिए आपके लिए डेयरिंग टीचर का प्राइज। वो न्यू टीचर इसीलिए हम उन्हें उतना ऑब्जर्व नहीं कर पाए, हम उनके साथ भले ही ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं करते हैं पर इतना जानते हैं कि वो कितनी ज्यादा अच्छी है। तो सॉरी मैम कि अभी आपके लिए कोई कर नहीं पाया क्योंकि हम आपको उतना ऑब्जर्व नहीं कर पाए हैं, तो उसके लिए सही में दिल से सॉरी। प्लीज आप आगे आ जाइए, हम लोग आपको बैच देना चाहेंगे। मैम आप बहुत ग्रेशियस लगते हो हमें, हमेशा आप एकदम नजाकत में रहते हो। मैम मैं भी आपके लिए कुछ
बोलना चाहूंगी। यहाँ पे सब लोग तो है हमारे टीचर, बट आप एज अ फ्रेंड लगती हो, इसीलिए आपके लिए हम लोगों ने फ्रेंड लाइक टीचर का। डियर चार्मिंग ग्लेशियर एंड एक्टिव टीचर, और भी ना जाने कितने नाम दे सकते हैं हम आपको। हमारे स्कूल में एकमात्र ऐसे टीचर जिन्होंने कभी खुद को टीचर समझने दिए ही नहीं है, हमारे बड़े भाई की तरह रहे, हमसे हमारे छोटे भाई बहन की तरह प्यार किए। आप इतने ही कम दिन में हम लोग से इतने गुण मिल गए, लगते कितने सालों से हम लोग को पहचानते हैं, आपकी क्या ही तारीफ करूँ, वो भी कम पड़ जाएगी। लास्टली मैं यही कहूँगी, यू आर आवर ब्रदर लाइफ टीचर, प्लीज सर स्टेज पे आ जाइए। मेरी तरफ से सब ताली बजाइए, ताली बजाओ भाई, इस बार सर चल रहा है। दे दो सर पेन लेंगे, दे दो। आप लोग पढ़ाई लिखे सब साथ में करें, लेकिन हाँ पढ़ाई में नहीं दोस्ती नहीं रिलेशनशिप, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई कीजिए, चाहिए। सर आपके लिए मैं भी कुछ बोलना चाहूंगी, हम लोग जब भी आपसे बात करते हैं आप में इतनी पॉजिटिविटी भरी है कि आपसे बात करते हैं ना वो थोड़ी सी पॉजिटिविटी हमारे अंदर भी आ जाती है। आपने हमेशा हमें मोटिवेट किया पढ़ने के लिए, खेलने के लिए, कूदने के लिए, हमेशा आपने हमें ऐसी राय दी है। थैंक यू। हाँ खाने के लिए भी थैंक यू सो मच सर। होमवर्क नहीं है? होमवर्क लेके आओ। हमेशा तुम लोग रो रो कर ही बनाता है, कभी हंस हंस तुम नहीं बनाता है। लो कॉपी। अब बताइए मैंने किस तरह की एक्टिंग की? अब मैं कुछ बोलना चाहती हूँ सुभाष सर के लिए। सुभाष सर लोगों के स्कूल के बहुत ही स्ट्रिक्ट टीचर है। अनुशासन शिष्टाचार का दूसरा नाम सुभाष सर है, मतलब वो हमें अनुशासित रखने में हमेशा प्रेरित करते रहते हैं। स्कूल के सारे बच्चों का ध्यान वो अपने बच्चों की तरह रखते हैं, हमें उनसे हमेशा नई नई चीज़ें सीखने को मिलती है। अब कुछ पंक्तियाँ मैं सभी शिक्षकों को समर्पित करती हूँ। मिट्टी जिसने सोना बनाया, जिंदगी को जीना सिखाया, लक्ष्य भेदने का जिसने मार्ग दिखाया, उस गुरु को सत सत प्रणाम। सर आप सही में थोड़े स्ट्रिक्ट हैं, पर आप जो भी स्ट्रिक्ट है वो आप हमारे लिए ही है, ये हम सभी को पता है। आप हमें डांटते हैं पर आप हमें हमारे भले के लिए डांटते हैं, तो आपके लिए स्ट्रिक्ट टीचर का बैच स्ट्रिक्ट टीचर भी होना सही नहीं है स्कूल में। आज मुझे बहुत खुशी हो रही है जो हमारे बच्चों में इतना टैलेंट है। हम लोग ये क्योंकि पहली बार हमको देखने का मौका मिला है, हम उम्मीद करते हैं इससे भी बेहतर हमारे बच्चों कर सकते हैं। और आज मैंने अपना रूप अपना बचपन इस बच्चे में देखी, जो एक बच्चे में एक गुरु जी के प्रति जो भी समर्पित भाव से जो हमसे वो सीखते हैं, हम वास्तव में इन लोगों को डांटते ज्यादा है। थोड़ा सा गूगल का भी हेल्प लिया, इसका भी हेल्प लिया है सारा। वो बोला माइक लो। इमोशंस पर मेरे ही हैं। आपकी डांट कभी गलतियों पर पड़ी और कभी बिना गलती के भी, पर उसी डांट ने हमें गलत करने से डरना सिखाया। कभी किताबों को छोड़कर जिंदगी का पाठ पढ़ाया, कभी संगीत, कभी नृत्य और कभी संस्कृति को अपनाना सिखाया। आपके ही बच्चे हो ऐसा फील करवाया, जिंदगी एक्चुअली क्या है उसका एहसास दिलाया, खूब सारी मेमोरीज बनाई आपके साथ, अपनी एक अलग सी फैमिली सजाई आपके साथ, कई सारी चीज़ें सिखाई आपने कि कैसे आगे बढ़ना है और मुसीबतों से बिल्कुल नहीं डरना है। एग्जाम क्लास का हो या जिंदगी का, हमें सभी में टॉप करना है। ना समझी थी तो आपने मुझे बहुत कुछ समझाया, सिखाया, पढ़ाया, मेरी हर एक नादानियों को आपने माफ़ किया, उसके लिए मैं बहुत बहुत थैंक यू आपको बोलती हूँ। आप मेरी बस टीचर नहीं फ्रेंड बनी, मेरी कई सारी मुसीबतों का एंड बनी। आंटी मैं आपको अब क्या बोलूँ, आपने रोना स्टार्ट कर दिया, आप मेरे को भी रुला दोगे, ठीक है। आपने मेरे को एक नया सेल्फ मिलवाया मेरे से, सही में मेरे अंदर का एक नया मेरे में कॉन्फिडेंस भरा कि मैं कुछ भी कर सकती, बस पढ़ाई नहीं। वो आपने मैं जब इधर आई थी उसी फर्स्ट वीक
ठीक ही आपने मेरे को बताया, बस मुझे नहीं, मेरे ख्याल से यहाँ पे मौजूद सभी को बताया होगा आपने वो। मुझे आप एज अ ट्यूटर, एज अ गार्डियन, एज अ वाइफ, एज अ मदर, एज अ टीचर, हर एक चीज में आप बेस्ट हो। जैसे क्रिकेट फील्ड में एक पर्सन होता है जो कि हर एक चीज में ऑसम होता है, उसको जो वर्ड दिया जाता है, मैंने आपके लिए वही वर्ड ढूंढा है, ऑलराउंडर। आप हर एक फील्ड में ऑसम हो, आप में बहुत सारी खूबियां भरी हुई है, ये आप हमेशा हमें बताती रहती है और हमें पता है वो अच्छे से। आप क्राफ्टिंग में अच्छी हो, आप टीचिंग में अच्छी हो, आप ड्रॉइंग में अच्छी हो, डांसिंग में अच्छी हो, मैं बोलती रहूंगी मेरा मुंह दुखने लगेगा आपकी तारीफ करते करते। प्लीज मुझे ये ऑनर दीजिए, आप प्लीज यहाँ पे आइए और मेरे हाथ से वो बैंड लीजिए। उंगली उठाओ, बच्चे लोगों ने जो आज का प्रोग्राम को इतना खूबसूरत बना दिया कि मुझे आज कोई अफसोस नहीं है कि मेरा हाथ टूट गया है या कोई फिजिकली हरासमेंट है। दिल से बच्चे लोगों को बहुत 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 प्यार का पूरा। क्या होगा जल्दी बोलो, प्रेजेंट इंडिफिनिट प्रेजेंट इंपरफेक्ट प्रेजेंट कंटिन्यूअस, जल्दी बोलो क्या होगा, जल्दी बोलो क्या होगा, प्रेजेंट इंडिफिनिट प्रेजेंट इंपरफेक्ट प्रेजेंट इन कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्राचीन आंसर ही आ जाओ, बैठ जाओ बैठ जाओ सब लोग, चलो होमवर्क निकालो होमवर्क। सर वो लड़का होमवर्क नहीं लाया है। अरे 15 अच्छा बैठक कर लो ना, 15 बार अच्छा बैठक कर लो, 15 बार करो, 15 बार करो ना, 10 बार करो, 10 अरे 10 बार करो, अरे लड़की है 5 बार करेगी, लड़की होती है, लड़की लड़की होती है, बात करेगी ज्यादा नहीं। थैंक यू। एनी गेस्ट? हमारे बिल्कुल सही, हमारे डियर विनोद सर। विनोद सर हमारे स्कूल के इतने इनोसेंट टीचर है कि हम क्या ही बताएं, वो एक इनोसेंट की मूर्ति है, मूर्ति। वो बच्चों को इसलिए नहीं मारते क्योंकि उनको डर होता है कि बच्चा को कहीं चोट ना लग जाए, बच्चा बेहोश ना हो जाए या किसी स्कूल से भाग ना जाए, इसीलिए विनोद सर किसी बच्चे को नहीं मारते। लेकिन सर जैसा कि सुप्रिया ने ऑलरेडी बोल दिया कि आप बहुत शांत हो, इनोसेंट हो, तो आपके लिए इनोसेंट टीचर का बैच। हे गुरुवर, हे मानव के राजांश, तुझे सत सत नमन, तेरे ही आश्रय में चमका है हमारा जीवन। नन्हे नन्हे कदमों से चलकर आए थे, जीवन की होर में आपने चलना सिखाया है, नन्हे पौधे को संचित करके एक फलदार वृक्ष बनाया है। हम धूल भरी पगडंडी है, आप पानी के छींटे हो, हम तो कब के उड़ जाते, आप ही हमें समेटे हो। हम अंधकार की कोठली है, आप ज्ञान के दीपक हो, हम आप हमारी परछाई है, आप पग पग हो। हम सूखी बंजर भूमि है, आप मन भावन सावन हो, सजोए रखिए हमें जैसे अरबी के पत्तों पे कुछ बूंदे शबनम हो। सर अब मैं थोड़ा आपका नाम लास्ट पंक्ति में मैं सर का नाम लेना चाहती हूँ। हे जनगण, हे मानव के राजांश, तुझे सत सत नमन, तेरी ही आश्रय में चमका है हमारा जीवन। धन्यवाद। हाँ सब मिलकर पेपर हटाइए, हेड सर को बोलो। अरे ताली बजा, तुम लोग को अच्छा नहीं लगेगा? कितना मेहनत से सिखाए, सारा क्रेडिट सारा क्रेडिट।
मोल सर और शशि सर, मोल सर और शशि सर, एक मिनट का हम लोग हमारे बहुत वरिष्ठ स्नेह दिए और जिंदगी का बहुत कुछ सिखाए, उस सर को हम लोग याद करेंगे एक मिनट के लिए उनके आँख बंद करके। मोल सर और शशि सर, उनका नाम नहीं लेंगे इसलिए, उन दोनों के लिए आँख बंद करके एक करो सुप्रिया सबसे अच्छा थी, ये है क्या बोलते हैं दर्शक रिव्यू, दर्शक रिव्यू के चलो जय बजरंगबली।